महाराष्ट्राचाच नाही उत्तर प्रदेशाचाच नाही या देशातल्या प्रत्येक युवकाच्या हृदयाचं हृदय स्थान जसं आकाश निळा आहे व्यासंगी आहे प्रचंड मोठ आहे तेवढाच मोठा विचार आणि कणखरता घेऊन जे महाराष्ट्रामध्ये दाखल झाले असे आदरणीय आकाश आनंद साहेब आपणास मार्गदर्शन देते. जय भी महाराष्ट्र. साथियों, साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ. मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही हैं. उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है. आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ. महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो आज सौभाग्य मुझे मिल रहा है तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. साथ ही साथ आज यहाँ हम सबके बीच मंच पर मौजूद महाराष्ट्र स्टेट के इंचार्ज एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ जी और साथ ही यहाँ हम सबके बीच मौजूद राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ. महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रविंद्र जी और प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण के साथ साथ हम यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता व समर्थकों, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आज मैं आपसे अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो कहूँ. तो साथियों सुनिए, बाबा साहब के दिखाए रास्ते, मान्यवर साहब के बताए तरीके और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल और दिमाग से अपनाना होगा. साथियों मैं पूछता हूँ क्यों घबराते हो तुम, मैं पूछता हूँ क्यों डरते हो तुम, अरे जब तुम्हारे सिर पर उस शेरनी का हाथ है
तो क्यों कमजोर महसूस करते हो तुम? आप सब बहुजन समाज से हो, कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो वो आदमी की पहचान बन जाती है, तो आज मैं कहता हूं कि बना लीजिए ये पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की जी, अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल आर ब्रॉट अबाउट विदाउट ब्लडशेड। लेट्स इमेजिन दिस वर्जन ऑफ इंडिया जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत, जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत, जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बिलीव्ड इन एन इंडिया वेयर वुमेन हैड द सेम राइट्स एज मेन, बट सैडली वी डोंट लिव इन दिस बाबा साहब वर्जन ऑफ इंडिया। हकीकत तो ये है कि आज यहां महाराष्ट्र में जो बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही है वह जनता और बहुजन समाज विरोधी है। जहां पर भाजपा की सरकार ने बेघर लोगों को घर देने का वादा किया, जहां पर भाजपा की सरकार ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, जहां पर भाजपा की सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी को भारत रत्न से की उपाधि से सम्मानित करने का वादा किया, तो साथियों हकीकत तो ये है कि आज भी महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। हकीकत तो ये है कि आज 1 करोड़ नौकरियां का वादा घटकर 75,000 नौकरियां देने का भी वादा ही रह गया है। हकीकत तो ये है कि आज राज्य की भाजपा सरकार हमारे महापुरुषों को भारत रत्न देने के लिए केंद्र की सरकार को नाम भेजने का सिर्फ नाटक कर रही है। क्या ऐसे ही चलती है डबल इंजन की सरकार? सर साथियों आप बताइए, मोदी जी कितने समय तक बोलते रहे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या भाजपा की सरकार नहीं इधर? केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं तो ये ऐसे चलती है डबल इंजन की सरकार? आप बताइए, चलती है ऐसे डबल इंजन की सरकार? ना सिर्फ यहां की भाजपा सरकार नाकाम रही हमारी बेरोजगार जनता को रोजगार देने में, ना सिर्फ नाकाम रही हमारे महापुरुषों को सम्मान देने में, बल्कि यहां की भाजपा सरकार ने हमारे सभी किसानों भाइयों के साथ जो धोखा किया है वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि एक घोर अपराध है, जिस अपराध का सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा है, इस्तीफा। आज भी 40% महाराष्ट्र सूखे की मार से झेल रहा है। आज हमारे प्रदेश में 28,500 से ज्यादा गांव में खेती के लिए तो दूर, पानी पीने तक के लिए पानी नहीं है। साथियों शर्म तो तब आती है जब यहां की सरकार हमारी माताओं और बहनों तक को सुरक्षा नहीं दे सकी। सिर्फ पिछले साल में ही 56,000 से ज्यादा महिलाओं पर हुए अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहां की गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है,
तो इन सभी की तरफ से मैं मांगता हूं आपका इस्तीफा। साथियों, मेरा ये गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उस समाज के साथ जो शोषण किया जाता है, और यहां अकेले महाराष्ट्र में नहीं, ये हाल हर उस प्रदेश का है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। और ये फितरत है, यही फितरत भी है कांग्रेस और एनसीपी की, धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और हमारे बहुजन समाज को हमेशा दबा कर रखना। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। कुछ लोग मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका, क्यों, सही नहीं कह रहा? और अब जब हम सब परेशान हैं तो बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। साथियों, केंद्र की सरकार का वादा 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा हम सबके लिए महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का, क्या यहां बैठे मेरे साथी लोग आप लोग बता सकते हैं कि आपकी लग गई नौकरियां? क्या आप लोगों के लिए हुई महंगाई कम? क्या आप लोगों की बढ़ गई आमदनी? सही कहा, घट गई। साथियों, जो 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 करोड़ तो दूर, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वो नौकरियां भी आज घटकर सिर्फ 2.5 करोड़ रह गई हैं। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम सबको एहसास दिलाने निकले थे सड़क पर कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आज इनसे कोई पूछे कि क्यों भाई, अब 100 रुपए का पेट्रोल आप लोगों को चुभ नहीं रहा क्या? जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम कर शायद गरीब को ही खत्म कर चुके हैं। साथियों, 2014 में 2,70,00,000 लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। क्या ऐसे ही बनेगा भारत $5 trillion की इकॉनमी? हम सबको अब पूछना होगा, केंद्र की सरकार से पूछना होगा कि ऐसे ही वो झूठे वादे करते रहेंगे क्या? शायद भाजपा का वादा केवल तोड़ने के लिए ही बना है, शायद ये लोग वादा करते ही इसलिए हैं ताकि तोड़ सके। मैं अगर सही समझता हूं तो केंद्र की सरकार को, बहुजनों को, बहुजन समाज को मुफ्त में राशन देने की योजना नहीं चलानी चाहिए। अगर वो हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर दे सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साथियों, इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से बना है। तो हम पूछते हैं, क्या यही है अच्छे दिन? बताइए साथियों, क्या ऐसे ही अच्छे दिन की उम्मीद की थी आप सबने? आज हम भाजपा, कांग्रेस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, एक काम की बात बताएंगे कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री को होना कैसा चाहिए और एक प्रधानमंत्री बनना कैसा चाहिए।
बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों कार्य किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और कई यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, मान्य महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने इन योजनाओं के तहत 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम 20 लाख रुपए देने का नकली ढिंढोरा नहीं पीटते और ना ही हम खोखली योजनाएं चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी। हमारी आदरणीय बहन जी ने करके दिखाया है 4-4 बार। साथ ही साथ आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC ST OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज़्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,45,000 एकड़ से ज्यादा जमीनों का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। और साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोजगार के मौके तब दिए गए जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में लोगों को लाइन से लगाकर नौकरियां दे रही थी, तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर लोगों को नौकरियों से निकाल रहा था। सही मायने में इसी को कहते हैं सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सब की बहन जी की वजह से है। मैं आप सबके सामने आज यहां अपना सिर झुकाकर अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप हैं तो हम हैं। तो साथियों, आप और हम सबको एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को
बसपा से जुड़ने का काम करना होगा और आने वाले विधानसभा में विधानसभा आम चुनाव में बता देना होगा कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, सही मायने में यही होगा यहां की महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब। अंत में मैं यहां मौजूद सभी माताओं और बहनों का जो इतनी दूर से चलकर हम सबको आज यहां सुनने आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे सभी छोटे बड़े और जवान बीवीएफ के जवान साथियों, आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। हर प्रदेश के